बिहार में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट ने पिछले 3 महीने से फरार चल रही मंजू वर्मा की संपत्ति जब्ती का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि आर्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रही मंजू वर्मा को आत्मसमर्पण के लिए दबाव बनाने के इरादे से बेगूसराय पुलिस ने कोर्ट में उनकी कुर्की जब्ती के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए मंझौल अनुमंडल न्यायालय ने कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं। आर्म्स एक्ट के मामला में पुलिस के द्वारा 82-83 CRPC की कार्रवाई की मांग की गई थी। हम लोगों ने कोर्ट से अर्जी दाखिल कर विनती किया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, हमारे जमानत अर्जी सुनवाई के लिए अभी पेंडिंग है और दोनों एक साथ नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्लेनेट कोर्ट का आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं। इश्तिहार और कुर्की साथ साथ किए, देखिए अगले सप्ताह तक हम लोगों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो जाती है। अब वहाँ से क्या होता है तो हम लोग फिर इसके बारे में सोचते हैं। चलो ठीक है। बता दें कि मंजू वर्मा के घर से 50 जिंदा कारतूस मिलने की वजह से पुलिस ने मंजू वर्मा और उनके पति चंदेश्वर वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद से ही दोनों फरार हो गए थे। हालांकि पिछले महीने पति चंदेश्वर वर्मा ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, लेकिन मंजू वर्मा अभी भी फरार हैं। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।